हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, वैदिक गणित के जो हमारा सीरीज चल रहा था उसके लास्ट क्लास में मैंने आपको सूत्र नंबर जो 5 था, वैदिक गणित के सूत्र नंबर 5 शून्यम साम्य समुच्चय, इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने अभी तक आपको दो कंडीशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसके दो उपयोग के बारे में हम पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, उसी सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और पार्ट नंबर 2 के वीडियो में मैं आज आपको जो अगला दो आपके उपयोग आते हैं, दो कंडीशन आते हैं, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो वैदिक गणित का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत ये पांचवा नंबर का सूत्र चल रहा है और इस पांचवे नंबर का ये दूसरा नंबर का पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, पांचवे नंबर का जो हमारा सूत्र है उसका नाम क्या है, शून्यम साम्य समुच्चय। इस विधि की सहायता से हम जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, जो बीजगणित जो समीकरण होते हैं, वहां पर हम चर का मान बहुत आसानी से बहुत कम समय में ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीख रहे थे। अगर कोई मेरा दोस्त पहला नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखेंगे, फिर पार्ट नंबर 2 में आएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखिए, ये जो सूत्र लिखा गया है वो संस्कृत के नाम होते हैं शून्यम साम्य समुच्चय। तो हमने इसके लास्ट क्लास में क्या देखा हुआ था, इसका हिंदी मीनिंग समझा हुआ था, एक बार और इसको देख लेते हैं कि संस्कृत के शब्द का हिंदी अर्थ क्या निकलता है। तो हिंदी अर्थ निकलता है, जब समुच्चय एक समान है तब उस समुच्चय का मान शून्य होता है। अब इस जो लाइन लिखा इसका हमें एकदम डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं होता है, सीधे हम इसके उपयोग के बारे में जाना चाहेंगे और आज की इस क्लास में मैं आपको केस नंबर 3 और केस नंबर 4 के बारे में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 के बारे में, उपयोग तीसरे के बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखिए, यहां पर केस नंबर 3 में लिखा गया है कि हम किस प्रकार के जो अल्जेब्रिक इक्वेशन होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा गया है समान अंश या फिर न्यूमिनेटर विधि, ठीक है। अब अंश बटा हर, ये चीज में भी कई मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं। तो आपको अगर कोई भिन्न दिया जाता है तो उस भिन्न में जो ऊपर में लिखा होता है उसको हम कहते हैं अंश, और जो बटे के नीचे में लिखा होता है उसे हम कहते हैं हर, ठीक है। अब नीचे के दो लाइन ये बताता है कि हम किस प्रकार के अल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं, जो बीजगणित समीकरण होता है, विशेष प्रकार के जो बीजगणित समीकरण होता है उसको हम हल कर सकते हैं। दो लाइन लिखा गया, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो, यदि किसी समीकरण में दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों का योग शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। सीधा सा मतलब है इस लाइन का क्या, कि अगर आपको कोई समीकरण दिया गया है और उसमें दो पक्ष हैं, भाई समीकरण में दो पक्ष तो होंगे ही, अब उस समीकरण में अगर एक पक्ष में दो भिन्न है और दोनों भिन्न के अगर अंश समान है, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या लिखी गई है वो अगर समान है, तो यहां पर हमें उस चर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों हरों का हम योग कर देंगे, उसको जीरो के बराबर ले लेंगे, तो उसको हल करेंगे तो हमें चर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए, यहां पर उदाहरण नंबर 1 में आप देखेंगे एक समीकरण दिया गया है। अगर मैं आपको कहूं कि इस समीकरण को आप हल कीजिए और मुझे x का मान निकाल कर बताइए, तो दोस्तों इसको हल करने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट का समय बिल्कुल लग सकता है x का मान ज्ञात करने के लिए। अगर मैं कहूं कि आपको मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर मैं निकाल कर बता दूंगा तो आप मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाले हो, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आज ऐसा हो पाएगा कि आप इस समीकरण का मात्र 2 सेकंड में हल निकाल पाओगे, वो भी किसकी सहायता से, वैदिक गणित की सहायता से, ठीक है दोस्तों। अब देखो, तो इस समीकरण को देखने पर, अच्छे से ऑब्जर्व करने पर हमें यह पता चला कि दो भिन्न दिए गए हैं और दोनों भिन्न में जो ऊपर में लिखा गया संख्या है यानी कि अंश है वो दोनों समान है, ये भी 5 है ये भी 5 है, ठीक है दोस्तों। हर से हमें मतलब नहीं है, हमें अंशों को देखना, अगर अंश समान है तो अगर मुझे इसका x का मान निकालना है, चर का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हरों का जो योग करेंगे उसको जीरो के बराबर कर देंगे। कैसे, देखो
हर में यहां पर पूरा फोकस अब आपका हर में होना चाहिए। तो हर में क्या दिया गया है, 3x + 2, इस पर हम प्लस करेंगे दूसरे वाले भिन्न के हर को, जो कि दिया गया 2x + 8 = 0। ये आपके प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है। कई मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो बिना पेन उठा बिना कॉपी यूज किए इसका देखते ही आंसर बता सकते हैं माइंड में ही कैलकुलेशन करके। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 सेकंड से भी कम समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हल पता करते हैं। देखो तो चर वाला चर के साथ जुड़ेगा और जो संख्या वाला जो अचर है वो अचर के साथ जुड़ जाएगा। ये 3x और ये 2x दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो चुका 5x। ठीक है, चलिए 2 और 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, बराबर कर दो 0 के। ठीक है, चलिए तो हमें तो निकालना है x का मान, तो 5x = 10 को उस साइड करेंगे तो 10 अभी प्लस में है तो उधर जाकर ऋण का 10 हो जाएगा, -10 हो चुका। ठीक है, x के साथ जो भी गुणा में है वो जाएगा ऋण 10 के भाग में, तो 5 का जो है वो ऋण 10 के भाग में आ गया। हम इन दोनों को 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर में क्या बच चुका x = -2, जो नीचे के एक है इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अतः इस बड़े से समीकरण का हल क्या निकला, x = ऋण 2, चर का मान क्या आ गया, ऋण 2 आ गया। बिल्कुल ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। देख लीजिए दोस्तों, वैदिक गणित की सहायता से आप बड़े से बड़े इक्वेशन, जो विशेष प्रकार के इक्वेशन होते हैं, बस उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, आप उसका आंसर पता कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, पहले लघुत्तम लोगे, फिर तिर्यक वगैरह गुणा करोगे, फिर पक्षांतर वगैरह करोगे, फिर x का मान निकालोगे। कम से कम 3 से 4 मिनट का समय बिल्कुल लगने वाला है, लेकिन आप वैदिक गणित का फॉलो करोगे, वैदिक गणित के मेथड को अप्लाई करोगे तो बिल्कुल आप x का मान मात्र 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, ये पहले नंबर का एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के एग्जाम्पल की ओर। यहां पर फिर से हमें एक समीकरण दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहां पर x का मान चाहिए तो आप इसको कैसे करोगे, पहले हर का निकालोगे लघुत्तम, फिर तिर्यक वगैरह गुणा करते रहोगे, फिर x को एक साइड पक्षांतर करोगे, एक जो a भी है उसको एक साइड पक्षांतर करोगे, फिर x का आप जाकर कहीं मान पता कर पाओगे। लेकिन दोस्तों इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए और देखिए, 2 भिन्न दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों भिन्न में देखने पर यह पता चल रहा है कि ऊपर में जो संख्या लिखी गई है यानी कि अंश का मान दोनों में समान है। जब अंश का मान समान हो जाता है और इस केस में अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, चर का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, हम हरों के योग करेंगे और उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। अब देखो अंश तो समान है तो अंश को छोड़ दो, हर पर पूरा फोकस करो। पहले वाले भिन्न का हर क्या दिया दोस्तों, x + a, दूसरे वाले भिन्न का हर क्या दिया, x + b, दोनों का हम योग कर दिए और बराबर 0 कर लेंगे। यहां से हम x का मान बहुत ही आसानी से पता कर लेंगे। देखिए कैसे, तो x और x दोनों को जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 2x। भाई 1x और 1x कितना हो गया, 2x हो गया ना। अब यहां पर a और ये b दोनों को हमें करना है पक्षांतर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो a जो है वो प्लस में है, वो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस a, फिर ये प्लस b भी उधर जाएगा तो ये माइनस का b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 2x = देखो दोनों जगह माइनस का साइन है तो हम दोनों जगह से माइनस के साइन को कॉमन निकाल लिए। जब माइनस का साइन कॉमन निकाले हैं तो दोनों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। a पहले नेगेटिव में था वो अब पॉजिटिव में लिखा जाएगा, b जो कि नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव में लिखा जाएगा, यानी कि माइनस फिर ब्रेकेट में a + b आ जाएगा। हमें तो चाहिए x का मान, तो x के साथ जो भी गुणा में है वो जाएगा दूसरे पक्ष के भाग में, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -a + b, फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। बिल्कुल ये आपका आंसर होने वाला है, जो आपका 3 से 4 मिनट आसानी से बचा सकता है। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हो। इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप माइंड में ही इसको कैलकुलेशन कर लो, आप इसका देखते ही आंसर बता सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस सूत्र का 5वें नंबर का जो सूत्र था शून्यम साम्य समुच्चय, इसके हमने उपयोग नंबर 3 के बारे में भी बात कर लिया, केस 3 के बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके एक और उपयोग के बारे में आज की इस क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए तो केस नंबर चार देख लीजिए, किस प्रकार के हम अल्जेब्रिक इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर लिखा गया केस नंबर 4 में
अंश तथा हर यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश तथा हर का योग समान हो। तो अंश तथा हर का योग अगर समान है किसी समीकरण में तो किस प्रकार के अल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में तीन लाइन लिखी गई है। ये लाइन पढ़ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखिए, ये तो शॉर्ट में था, इसी शॉर्ट फॉर्म का यहां पर विस्तारित रूप दिया गया, एक्सप्लेन करके उसको लिखा गया। क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा हरों का योग परस्पर समान हो अथवा निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग को शून्य के समान रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। अब देखो, यहां पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस इक्वेशन में हमें चर का मान ज्ञात करना है, समीकरण को हल करना है, यानी कि एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो आपका काम क्या होगा, पहले आप 2x+3 का मल्टीप्लाई करोगे 2x+3 के साथ, त्रियक गुणा, तो यहां पर आपको एक क्या मिल जाएगा, आपको मिलने वाला होगा द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, कम से कम आपको 5 से 7 मिनट इसको हल करने के लिए लग सकता है, x का मान ज्ञात करने के लिए लग सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो केस नंबर 4 है, वो केस नंबर 4 इस इक्वेशन को मात्र 2 से 3 सेकंड में हल करके आपको आपका आंसर देने वाला है। कैसे, चलो तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, समीकरण को अच्छे से हम अवलोकन करेंगे। तो देखते हैं, अगर यहां पर अंश और अंश का हम योग करेंगे और हर का योग करके देखते हैं कि क्या आता है। तो अंश में क्या दिया है, पहले वाले भिन्न में हम अंश को देखते हैं तो यहां पर हमें दिखता है कि 2x+3 दिया है, और दूसरे वाले जो भिन्न है, समीकरण के दूसरे वाला पक्ष है, इसके हम अंश को देखते हैं तो यहां पर दिया गया 2x+5 है। सबको जोड़कर हम देखते हैं कि क्या आता है, तो 2x और ये 2x दोनों जुड़ जाएंगे, क्या मिल चुका, 4x मिल चुका। 3 और 5 दोनों प्लस वाले, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो चुका 8, यानी कि अंशों का योग, समीकरण में अंशों का योग क्या मिल चुका, 4x+8 मिल चुका। ठीक है दोस्तों, अब हम हरों का योग करते हैं। तो हर में क्या दिया गया, देखो मैं हरों का योग चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो अंशों का योग करके, आप बिल्कुल लिख सकते हो, जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको तो लिखना ही पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसको। ये अंशों का योग हमने ये निकाल लिया, फिर आप नीचे में लिख सकते हो हरों का योग, हरों का योग। अब हरों का योग कैसे निकालेंगे, देखो हर में, तो पहले वाले अगर मैं भिन्न में देखूंगा तो हर में क्या दिया गया दोस्तों, 2x+5 दिया गया है। अब इसमें हम प्लस करेंगे दूसरे वाले भिन्न के हर को, जो कि है 2x+3 है। चलिए, दोनों समान आने चाहिए या फिर निश्चित अनुपात में होने चाहिए, तो 2x+2x करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, +5 और +3 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा +8। तो यहां पर देखो, दोनों जो समीकरण दिया था, यानी कि ऊपर में अंशों का योग और नीचे का हरों का योग, दोनों क्या हो चुके, बराबर हो चुके। तो अब इसका आंसर पता करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, चुटकी में आप इसका आंसर पता कर सकते हो। कैसे, आप किसी भी योग को शून्य के बराबर ले लो, किसी भी योग को, भाई दोनों तो सेम है तो दोनों में से किसी को भी आप शून्य के इक्वल कर लो, वो आपको x का मान दे देगा। चलो मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है, 4x+8 = 0, 0 को इक्वल कर लिए, तो 4x = +8 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -8, तो x = -8, x के साथ जो यहां पर मल्टीप्लाई में है वो -8 के साथ डिवाइड में चले जाएगा, तो 4 1 4 4 2 ये हो जाएगा 8, यानी कि x = आपको मिल चुका है -2, x = -2 आपका आंसर होने वाला है। इस तरह से आप इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो, तो है ना दोस्तों मजेदार ये मेथड, ठीक है। तो पहला नंबर का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, चलिए अब दूसरे नंबर के उदाहरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर अंशों का योग कर देख लेते हैं कि क्या आता है। देखो आइए, अंशों का योग मैं पहले यहां पर निकाल लेता हूं, देखो अंशों का योग मैं निकालने जा रहा हूं, तो अंश में क्या दिया गया है, 3x+4 प्लस करते हैं दूसरे वाले भिन्न का अंश को, जो कि है x+1। चलिए यहां पर हम इसको प्लस करते हैं, तो ये 3x और यहां पर 1x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4x हो जाएंगे, प्लस
चार और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच हो चुका। कितना मिल चुका? पांच मिल चुका। समान आने चाहिए अंशों और हरों का योग या फिर निश्चित अनुपात में होने चाहिए। यहां पर तो समान आया था, अब यहां पर क्या मिलता है, चलो इसको देख लेते हैं। हाँ, अब हम निकाल लेते हैं हरों का योग। देखिए अब हरों का योग कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर हर में क्या दिया गया है, सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस, हम करेंगे दूसरे वाले हर के साथ इसका योग जो कि है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस सॉरी 6x प्लस 2x क्या मिल चुका, 8x। ये यहां पर लिख दिया मैंने 8x प्लस 7 प्लस 3, ये हो चुका 10। अब मेरे कई दोस्तों कहेंगे कि सर यहां पर अंशों का योग और हरों का योग तो समान नहीं आया है। बिल्कुल आपको समान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर देखिए समान हो अथवा निश्चित अनुपात में हो, दो बातें लिखी गई है, समान होना चाहिए या फिर निश्चित अनुपात में भी हो सकता है। अब अनुपात कैसे है देखेंगे, देखो यहां पर मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि मैं 8 को 4 गुना 2 लिख सकता हूं और हम 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों पद में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दिए। 8x को हमने क्या लिखा था, 4 गुना 2x, तो 2 को कॉमन निकाल लिया, अभी भी 4 बचा हुआ है, साथ में 1 से भी बचा हुआ है। प्लस 10 को हमने क्या लिखा था दोस्तों, 5 गुना 2, 1 2 को कॉमन निकाल लिया है, तो अभी भी 5 बचा हुआ है, तो यहां पर ये हो जाएगा 5। अब यहां पर देखिए इसके साथ गुणा में आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि 1 है, और इसके साथ गुणा में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि 2 है। यहां पर जो ब्रैकेट वाला है वो दोनों समान होने वाला है, तो यहां पर एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है, 1:2 में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, 1:2 में मिल रहा है, इसी निश्चित अनुपात के बारे में यहां पर कहा गया था। तो समान होना चाहिए या फिर निश्चित अनुपात में होना चाहिए, बिल्कुल आपको देख लेना, अगर कॉमन निकल रहा है तो निकालना है, सेम आ गया तो आपका काम सरल हो जाएगा। अब यहां पर इसका मान निकालना, x का मान ज्ञात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, किसी भी योग को आप 0 के बराबर कर लो। तो चलिए मैं नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, दोनों तो सेम ही होने वाला है, दोनों तो सेम ही होने वाला है, दोनों को हम क्या करेंगे भैया, हम बराबर ले लेंगे 0 के। चलिए तो दूसरे वाले को मैं देख लेता हूं जो कि क्या दिया गया है, 2 4x + 5, इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। देखो तो 4x + 5 के साथ जो 2 है वो गुणा में है, तो गुणा वाला शून्य के भाग में जाएगा, तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही मिलने वाला है, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिख सकता हूं 4x + 5 = 0। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमें तो निकालना है x का मान, तो 4x को यहीं पर रखा, यहां पर प्लस 5 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x के साथ जो गुणा में था जो 4 वो चला गया भाग में, ये आपका आंसर होने वाला है। बिल्कुल देख लो ये आपका कितना समय बचाने वाला है, अगर आप इसको सामान्य मेथड से सॉल्व करोगे तो कितना समय लग जाएगा, बिल्कुल आपको 5 मिनट इसको हल करने में लग जाएगा, x का मान ज्ञात करने में। ठीक है, अगर आपने वैदिक मैथ सीखा होता तो बिल्कुल आप फटाफट किसी भी समीकरण जो इक्वेशन होते हैं, जो विशेष प्रकार के अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं, उसको आप देखते ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। आज की इस क्लास में मैंने आपको जो सूत्र नंबर 5 था, शून्यम साम्य समुच्चय, इसके 2 और उपयोग के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके जो और 2 उपयोग बच चुके हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ज्यादा ही अच्छा लगा होगा वीडियो बिल्कुल, तो आपको शेयर कर देना है दोस्तों तक, ठीक है, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा हुआ है, और बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना है। हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।